नमस्कार, मैं ललन सर। आप तमाम छात्रों का मिशन 40 मोटिवेशंस में स्वागत है। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो है टर्म 2 का एग्जाम आपका जो है गवर्नमेंट ने आपका जो है सीबीएसई ने मार्च में आपका होल्ड किया आपका जो है। तो मिशन 40 ये जो YouTube का जो चैनल है इस पर हम लोग जो है लगातार मैथ्स के जितने भी सारे सिलेबस आपका है टर्म 2 का सभी को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे जो है सोल्व करेंगे आपका। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई बच्चा जो है मैथ पढ़ना चाहता है उसको लग रहा है कि जो है लॉकडाउन के कारण जो है या किसी भी सिचुएशन के कारण जो है अगर वो मैथ जो है नहीं पढ़ पा रहा है तो वो मिशन 40 मोटिवेशन को ज्वाइन कर ले। वो आराम से जो है घर बैठे बैठे जो है मैथ का पूरा तैयारी जो है कर लेगा आपको। तो आपके भी आसपास में अगर कोई बच्चा है जो मैथ जो है नहीं पढ़ पा रहा है उसको जो है जरूर जाकर बताइए कि ललन सर वो टीचर हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं और बड़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं ना, उनसे जाकर क्या करो थोड़ा सा मैथ सीख लो आपका। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, कोई पैसा नहीं लगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपका, इसी का जो है 5वां नंबर आपका। पांचवा नंबर में फिर आपका एक इक्वेशन दे दिया है 2x-1 into x-3 = x+5 into x-1। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम लोग हल करेंगे। अब हल करने के लिए आप लोग को आ गया होगा क्योंकि आपने ऐसा ऐसा 3 क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके साथ, x के साथ करेंगे, हो जाएगा कितना 2x2। अब फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो माइनस कितना 6x। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले क्या प्लस, अब फिर जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा x2। अब फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से कितना आ जाएगा -x। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5x। अब फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -5 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सारा को उठा के क्या करेंगे इधर कर देंगे आपका। ठीक है, अब देखिए 2x2 का 2x2 +x2 इधर आएगा क्या आ जाएगा -x2। -6x-x कितना आ जाएगा -7x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये -5x है, ये +5x आपका, तो 5x में घटाएंगे -1x घटाएंगे तो बचेगा कितना 4x प्लस में, तो 4x अब इधर आएगा क्या आ जाएगा -4x हो जाएगा। इधर कांस्टेंट कौन है 3 है, ये -5 इधर आएगा क्या आ जाएगा +5 = कितना बचा 0, क्योंकि सब उठा के इधर कर लिया आपका। तो क्या हो गया ये, अब देखिए 2x2 में घटाएंगे x2 तो बचेगा कितना x2 -7x -4x -11x और 3 + 5 कितना आ जाएगा 8 = कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब बताइए क्या ये जो इक्वेशन है वो आपका जो है ax2 + bx + c = 0 का फॉर्म का है। ऑब्वियसली है ax2 + bx + c = 0, a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान आपका -11 है, और c मतलब जो कांस्टेंट है वो कितना है 8 आपका, है ना। तो लिखेंगे सिंस चूंकि इट इज द फॉर्म ऑफ ax2 + bx + c = 0, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चूंकि ये इस फॉर्म का है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 6 क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि x2 + 3x + 1 = है x-2 का होल स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है, इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तो सॉल्व पार्ट आपका है x2 + 3x + 1, ये तो सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व करना, ये किस पे सॉल्व हो रहा है, ये आपका a-b के होल स्क्वायर पे हो रहा है, a-b के होल स्क्वायर पे। आप सब जानते हैं कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2 * a, a का मान कितना है x * b, b का मान कितना है 2 आपका। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आपका, हो जाएगा x² + 3x + कितना 1 =
एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर होता है, और टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो कितना आ जाएगा, माइनस फोर एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे जीरो हो जाएगा, तो बच क्या गया, बच गया आपका थ्री एक्स और प्लस वन। अब इसको उठा के इधर ले आइए, ठीक है, तो माइनस फोर एक्स इधर का क्या हो जाएगा, प्लस फोर एक्स हो जाएगा, ये प्लस फोर इधर का क्या हो जाएगा, माइनस फोर इक्वल टू कितना, जीरो हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और माइनस फोर और प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री इक्वल टू कितना, जीरो। अब बताइए जरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कभी भी नहीं है, का है क्योंकि इसका पावर कितना है, एक पावर है, और जिसका मैक्सिमम पावर आपका एक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि है ना, इट इज द नॉट फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सातवां आपका, सेवन नंबर आपका, सेवन नंबर क्वेश्चन आपका है कि चेक करना है कि एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका, ठीक है, इसको चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बट अब देखिए बहुत सारा बच्चा जो होशियार रहता है अपने मन के जो है जो काबिल जिसको समझ करते हो आप लोग, तो बहुत सारा बच्चा देखेगा कि सर इसमें तो होल क्यू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होवे न करेगा, बट लेकिन ऐसा बात नहीं है। पहले आपको क्या करना है, हल करना है, पहले इसका सोल्यूशन करना है, और सोल्यूशन करने के बाद देखना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहले जो क्या करना है, हव नहीं बनना है, ठीक है, पहले जो काबिल नहीं बनना है, पहले इसको चेक कीजिए, आपका इसको पहले हल कीजिए। चलिए तो ये आपका जो है ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, सबको मालूम है, जिसमें ए का जो मान है आपका जो है एक्स है और बी का जो मान आपका जो है टू है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सब जानते हो। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ना ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है, ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, कहे एग्जाम में कोई बताने वाला आपको नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और प्लस 3 a स्क्वायर, a का मान कितना है x इसका स्क्वायर इनटू b, b का मान कितना है 2, और प्लस 3 a b स्क्वायर, a का मान x है और b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो 2x क्यूब हो जाएगा, अब फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो जगह माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं आपका, है ना, कैलकुलेशन क्या होगा, x का होल क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब, 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा 8 ही आएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, और जगह कितना 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 2x का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब सबको एक तरफ पढ़ लीजिएगा x क्यूब, अब देखिए प्लस 2x क्यूब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ठीक है। अब देखिए 8 यहाँ पे है 12 यहाँ पे, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा ये, अभी माइनस 2x था इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचा 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा x का होल क्यूब, सॉरी x के होल क्यूब में घटाएंगे कितना माइनस 2x का होल क्यूब तो कितना बचेगा माइनस x का होल क्यूब बचेगा, ठीक है, और बाकी तो कोई झूठने घटने वाला है नहीं, ये बच जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 20 बच जाएगा इक्वल टू कितना 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 3 आपका इसका, मैक्सिमम पावर जो इसका कितना है 3 है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, कैसा है क्यूबिक है, जिसका मैक्सिमम पावर एक रहता है उसको बोलते हैं लीनियर बोलते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर दो रहता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसका मैक्सिमम पावर तीन रहता है उसको बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म का नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक आपका जो है नहीं आपका होगा, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपका जो है 8 नंबर आपका, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आपका, है ना, 8 का जो क्वेश्चन है वो आपका है एक्स का होल क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1।
प्लस एक्स माइनस वन, सॉरी ये माइनस एक्स है, ये है प्लस वन अपक्रट, है ना। इधर दे दिया आपका इधर एक्स माइनस टू का क्या चीज होल क्यूब, देखिए टूटेगा, ये हो गया ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, मतलब ए माइनस बी को होल क्यूब पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये तो टूटा हुआ पार्ट आपका, इसमें तो कुछ करना नहीं है आपका, ठीक है ना। ये टूटा हुआ ना, इसको क्या करना, तोड़ना है, क्या चीज़ से तोड़ना है, इसको हथौड़ी से तोड़ना आपका, ठीक है, तोड़ लीजिए आपका, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, तोड़िए इसको, क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री इंटू ए, ए का मान कितना होता है एक्स इंटू बी, बी का मान कितना टू, और इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब एक्स माइनस कितना हो जाएगा टू, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी होता है, ये होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू, तोड़िए एक्स का होल क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ, ये देखिए थ्री गुना एक्स थ्री एक्स, और थ्री एक्स को गुना करेंगे दो से तो कितना छः एक्स, अब फिर ये हो गया कितना हो गया कुल मिला हो गया कितना छः एक्स, ठीक है। अब सिक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से कितना आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस सिक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, तो माइनस माइनस पहले क्या प्लस, और सिक्स एक्स को जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेल्व एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोल्व कर लिए, एक्स क्यूब गया एक्स क्यूब जीरो है ना, बचा गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस सिक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बच गया आपका माइनस एक्स यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस ट्वेल्व एक्स इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, ये बच गया कितना प्लस वन, और ई बच देखिए आपका माइनस एट है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस एट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहली सबको क्या क्यों उठा के इधर ले आपका, ठीक है ना, सॉरी लगता है ये गलती लिखा गया आपका। अब थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिए, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व कितना आ जाएगा माइनस थर्टीन एक्स हो जाएगा, अब प्लस आठ और एक कितना हो जाएगा नौ एक्स टू कितना जीरो, अब बताओ जरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए आपका दो है बी आपका माइनस थर्टीन है, और जब कॉन्स्टेंट है सी वो नौ होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि है ना इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इट, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इट, चूंकि ये इस फॉर्म का है इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो वीडियो के इस पार्ट में इतना तक हम बताएंगे, अगर आपको जो इसका पूरा सॉल्यूशन अगर देखना है तो आप वीडियो का जो है सेकेंड पार्ट के लिए जो है वेट कीजिए, वीडियो का सेकेंड पार्ट भी जो है आपका जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, किसी भी सेक्शंस का जो है अगर आपको जो है वीडियोस देखना है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए, सीबीएसई टर्म टू का जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा मैथ का जो है क्लास टेन का मैथ का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो सारा मैथ्स आपको जो वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। साथ में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको जो होती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है इसका सोल्यूशन हमको दे दीजिए आपका, ठीक क्या होगा, ठीक है। और हम जो है जनरली जो है आपका जो है इसी टाइम में जो है लगभग रात में जो है 6 से 7 के बीच में आपका लाइव भी आने का प्रयास करते हैं, लाइव आकर के भी जो हमारे सेशन का क्या कर सकते हैं फायदा उठा सकते हैं, ठीक। अगर लाइव छूट गया तो आप जाकर के हमारा जो है मिशन 40 सीटेड नाम का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां पर भी जाकर के आप स्टडी जो है कर सकते हैं आपका, ठीक। सारा नोट्स सारा जो है फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।